नूर जो हमारे होठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें क्योंकि वह प्रेम है और प्रभु हमारे बीच में विद्यमान है, प्रभु हमारे साथ में है। तो प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अपने प्रकाश में हमें चलाइए, अपनी ज्योति में हमें प्रकाशित कीजिए। हमारा राह जो अंधकार भरा हुआ है प्रभु, उसमें ज्योति लेकर आइए। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करने का समय है और प्रभु के पास आने का समय है। हाँ, हमारी सारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने रखें। जिन भाई बहनों ने मिस बलिदान अर्पित किए हैं उन सभी की प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य को और अनन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पवित्र कुवारी मरियम के धन्य प्रसव द्वारा तूने अपने पुत्र के शरीर को आदि पाप की दंडाज्ञा से मुक्त रखा। अपनी कृपा द्वारा हमें पाप के कलंक से शुद्ध कर और हमारी आत्माओं में नवजीवन का संचार कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 7-10। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता,
क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है, पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करें। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। अलेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से लेकर 44 तक। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने
उन दो मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5,000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें प्रभु प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए। हमने देखा है दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं और प्रेम की अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि जो प्रेम करता है तो वह उसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। कोई कहता है कि प्रेम में किसी तरह का लेन देन नहीं होता है। कोई कहता है जो प्रेम करता है उसे दूसरे व्यक्ति से किसी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का प्रेम हम दुनिया में देखते हैं, लेकिन सही अर्थ में अगर हम देखें लोगों के जीवन में प्रेम, तो वह दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। जब छोटा बच्चा रहता है उसका प्रेम अपने माता पिता के प्रति रहता है, लेकिन वह जैसे ही बड़ा होता है उसका प्रेम बदल जाता है। वह मोबाइल में लग जाता है, उसे फिल्म के हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, वह उनसे प्रेम करने लग जाता है। और जैसे ही बड़ा होता है तो उसका प्रेम फिर बदल जाता है और उसे बहुत सारी अन्य चीज़ों में उसका प्रेम लगने लग जाता है। इस तरह से प्रेम की परिभाषा उसके जीवन में बदलती जाती है। लेकिन प्रभु आज हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से प्रेम करना चाहिए। प्रभु कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो सच्चा प्रेम है वह ईश्वर से उत्पन्न होता है। ते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं एक प्रेमी अपने प्रेमिका की हत्या कर देता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं वह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। आजकल जो हम दुनिया में देखते हैं वह स्वार्थी प्रेम है। स्वार्थ के लिए लोग प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए लोग बातें करते हैं। इस तरह का प्रेम लोगों के जीवन में आज हमें देखने को मिलता है। लेकिन सच्चे प्रेम की अगर आपको परिभाषा देखनी है या सच्चे प्रेम को अगर आपको जानना है, क्रूस पर टंगे हुए प्रभु येसु को देखिए, वही सच्चा प्रेम है। उसी में सच्चे प्रेम की सच्ची परिभाषा है और सच्चा अर्थ है कि एक ईश्वर ने हम सभी के लिए, हम सभी के पापों के लिए हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हम सभी की मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि रोटियों का चमत्कार प्रभु ने किया और 5,000 पुरुषों ने रोटियों को खाया, मछलियों को खाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे टोकरे भरे गए, जिसमें कहा गया है कि 12 टोकरे बचे हुए रोटियों के भर चुके थे। लेकिन हमारे जीवन में हम नहीं ऐसा नहीं पाते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के साथ में रहते हैं,
अगर ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम कहते हैं कि हमारे घर में यह चीज़ नहीं, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को यह चीज़ चाहिए, इसके पास नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु से प्रेम ही नहीं करते हैं या प्रभु के पास जाते ही नहीं हैं और प्रभु से सब कुछ मांगते हैं तो मांगना कैसे है? विश्वास के साथ आज प्रभु हमें मांगने के लिए बुलाते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन में प्रभु प्रकाश में हमें जीवन जीने के लिए प्रभु आज बुलाते हैं कि प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के प्रेम में रहें, प्रभु की करुणा को समझें, बालक यीशु के जीवन में अपने आप को समर्पित करें, इस नव वर्ष में अपने परिवार को समर्पित करें और प्रार्थना करें। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत ही उमंग के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें और इस भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे इस स्वर्गीय संस्कार द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा, ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे और सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके।
इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए इस सब मृत भाई बहनों की आत्मा शांति के लिए कुछ क्षण मौन रहकर प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा निधि के साथ निधि में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को निवेदनों को प्रभु के शिष्य चरणों में रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर जीता और राज्य करता है आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ।
और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर की दया अपार है, उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया, जिसने पापी मनुष्य के सदस्य शरीर धारण किया। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तो अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि इसे ग्रहण करके हम तेरे वरदानों के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा क्रिस्त राजा। आज गगन झूम उठा, धरती भी नाच उठी, आज गगन झूम उठा, धरती भी नाच उठी, खुशी का समा है छाया। ईश्वर इंसान बन गया,